हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि बोल रही हूँ। आज मैं अपने टेरेस गार्डन में दो पौधा है, ग्रीन ड्रेसिना, इसका पत्ती में बहुत अच्छा अच्छा ये होता है और इसकी डिजाइन जो है ना बहुत अच्छा लगता है। और ये तो शेड में रखने का है, ये इंडोर भी चलता है, तो इसको मैं लगाई हूँ। ऐसा तीन चार पौधा है मेरे पास, एक पौधा से मैं तीन चार पौधा की हूँ अलग। इसका प्रोपगेट करता है, प्रोपगेशन से ही अलग ट्रांसफर करते हैं, अलग लगा देते हैं फिर निकाल करके, तो ये अच्छा है। और बहुत इसका बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है, पौधा बचाना मुश्किल होता है। तो इसका हम प्रोपगेशन दिखा रहे हैं, कितना प्रोपगेट किया है वो मैं दिखा रही हूँ। ये पप, कितना पप निकला है, ये निकला है, यहाँ पप निकला हुआ है, ये सब को, ये पप को निकाल करके और दूसरे पॉट में फिर तैयार करूँगी। देखने में बड़ा सुंदर होता है और इंडोर में रखने में बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ टेरेस गार्डन में मैं दो तीन पौधे के बीच में रखी ही हूँ, पाम ट्री के बीच में रख दी हूँ। पाम ट्री बड़ा है, उससे शेड बना हुआ है, उसी के नीचे में रखी हुई हूँ, तो बहुत देखने में अच्छा लगता है। और ये खूबसूरत पौधा है, इसके साथ में एक ग्रीन एग्लोनीमा भी है, साथ में इसको भी रखी हूँ। और इसमें भी मैं ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, कभी कभार बर्मिंग कंपोस्ट देती हूँ। अब जब इसका जब पॉट तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तो हाफ मिट्टी और थोड़ा सॉइल डाल करके और ये बर्मिंग कंपोस्ट मिक्स करके तैयार की थी और उसको पॉट में मैं लगाई थी इसको, तो बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा तैयार हुआ है पौधा, ठीक ठाक से हो गया, बड़ा हुआ हो रहा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये एग्लोनीमा है, ग्रीन एग्लोनीमा, इसको भी मैं दिखा रही हूँ। इस टेरेस गार्डन पर बहुत कुछ लगा हुआ, लेकिन ये बीच बीच में रखा हुआ है, उसको मैं दिखा रही हूँ। ये पौधा तो सभी लोग के पास रहते हैं, दो पौधा मैं इंडोर में रखी हूँ, थोड़ा सा छोटा है, इसी का पफ निकला हुआ निकाल करके लगा दी हूँ। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।